फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा मेरी दास्ता में, है भीगे से मौसम हुई मेरी पलके तभी फिर से नम, कहानी हमारी फसाना हमारा, हमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। कब्रिस्तान से परिंदा उड़ा है, इसका मतलब कोई बुरी आत्मा उठेगी। जल्दी जाके होली वाटर लेकर जल्दी कर। हाँ डैड, आ गया। मॉम मॉम, वो फिर से आ गई, मुझे परेशान करने फिर से आ गई। मेरा बच्चा तू डर मत, हम हैं ना तेरे पास। डैड ये लो। मॉम मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ, ना कहीं जा पाता हूँ, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, अगर किसी से बात करो तो अगले दिन वो मर जाता है। आखिर ऐसा कब तक मॉम, कब तक मैं ऐसे जीऊंगा? बेटा तू शांत हो जा, हम कुछ करेंगे, तू शांत हो जा। डैड हमें कल चर्च जाना चाहिए। हाँ डैड, कुक का हालत दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हाँ हम सुबह ही चर्च जाएंगे। कुक तू डर मत, यंग है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बेटा सो जा, यंजुन है तेरे पास, तुझे डर नहीं लगेगा। Okay, so this is John John Cook, और इनका निकनेम है Cook। ये कॉलेज स्टूडेंट रहता है और ये घर का छोटा बेटा है, एंड इनके ऊपर एक साया है जिससे ये कैद है। अब इनको कौन इस कैद से आजाद कर सकता है, हम वो ही देखेंगे इस कहानी में। Cook डर मत, हम सब है ना। कहानी हमारी। मॉम एक बात कहो, अगर आप बुरा ना माने तो बोलना। मैं और यंजुन कुक को लेकर न्यूयॉर्क चल जाते हैं, वहाँ मेरा फ्रेंड है और वहाँ एक फादर है जो इन सब मैटर को सॉल्व करता है। न्यूयॉर्क पर क्या वो कुक को इस चीज से आज़ाद कर सकता है? एटलीस्ट एक ट्राई तो करें मॉम, और मुझे विश्वास है फादर कुक को इस चीज़ से आज़ाद कर सकते हैं। अगर बात मेरे बेटे का है तो मैं रेडी हूँ, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। मॉम प्लीज सुना मत, कुक ठीक हो जाएगा, जिस पर भरोसा रखो। मैं कल टिकट बुक करता हूँ, आप डैड से बात कर लेना। हाँ ठीक है। जीसस आखिर कब तक मेरे भाई ऐसे तड़पेगा? प्लीज कुछ मदद करिए, कुछ तो करिए, मेरे भाई को इस चीज से मुक्त करिए। यह है जियांग जिमिन, जो एक बिजनेसमैन रहता है। ये घर का बड़ा बेटा है और ये अपने दोनों भाई को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, बट ये अपने छोटे भाई कुक को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हमारी फसाना हमारा, हमने सुनाया दोबारा दोबारा। जीसस प्लीज मेरे भाई का रक्षा करो। ये है योनजोन जो कुक से एक साल बड़ा है और ये फनी और क्यूट रहता है, एंड ये अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकता है। न्यूयॉर्क आ रहा हूँ।
जाओगे भाई एयरपोर्ट पे वेट करूंगा तुम्हारा। जूनी सुनो। हाँ बोलो जीनू। तो जिमिन कह रहा था कि वो योनजुन कुक को लेकर न्यूयॉर्क जाना चाहता है। वहाँ एक फादर है जो कुक को ठीक कर सकता है। क्या सच में हमारा बेटा ठीक हो जाएगा? हाँ, क्या हम उन तीनों को भेजें न्यूयॉर्क? अगर कुक ठीक होगा तो बेशक भेजो, बस हमारा बेटा खुश रहे और इस चीज से आजाद हो जाए। ओके, तो ये है हमारे नामजिन जो बहुत प्यारे है। अपने बच्चों के आगे इनके लिए कुछ नहीं है, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, तेरे मॉम ने बताया। कब जा रहे हो तीनों? आज रात के फ्लाइट से डैड। आज ही जा रहा है? हाँ मॉम, मैं देर नहीं करना चाहता। आप प्लीज कुक का लगेज पैक कर देना। मैं अपने लगेज पैक कर लिया। मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया। ठीक है, वह जगह ठीक से रहना और कुक का ख्याल रखना और हमसे बातें करते रहना। योनजुन, बेटा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। डैड आप चिंता मत करो, मैं और भाई कुक का ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुक बेटा तू उठ गया, आजा नाश्ता कर ले। कुक, हम तीनों रात के फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तुम हम के साथ पैकिंग कर लेना। ओके, न्यूयॉर्क पर क्यों हूँ? वो मुझे बिजनेस के कारण वहाँ शिफ्ट होना पड़ रहा है और तू भी यहाँ किसी से बात नहीं कर पाता है, और हम दोनों चले जाएंगे तो योनजुन अकेला पड़ जाएगा, तो सोचा तुम दोनों को साथ ले चलो इसीलिए। पर मेरा कॉलेज, तू टेंशन मत कर, मैंने तेरा और योनजुन का ट्रांसफर के लिए कॉलेज में बात कर लिया। तू पैकिंग कर ले, रात के 9 बजे फ्लाइट है। हाँ ठीक है। और क्या क्या पैक करूँ बता? मेरा बुक, वो रखना। आह, तू और तेरा बुक पूरा किताबी कीड़ा बन चुका है अपने डैड के तरह। मॉम, आप जानती हो ना मुझे पढ़ना पसंद है। हाँ हाँ जानती हूँ। ले हो गई पैकिंग, तू आराम कर, मैं लंच बनाने जाती हूँ। हाँ ओके। किसी दिन मैं हिमालय चली जाऊंगी। आयो, तुम्हारे दोनों नालायक बेटा बिल्ला और गिलहरी कहाँ है? सान जैसे गला फटा बंद करो, मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे सुनाई दे रही है। शुगर हवा सो रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? क्या हुआ? ये तुम्हारे दोनों बेटे ऑफिस में काम करने के बजाय दिन भर सोता रहता है, इनके वजह से क्लाइंट मुझे सुना के चले जाते हैं, मैं क्या करूँ इन दोनों का? ओके, तो ये है किमली और किमायो, जो हमारे तीनों बेबीज के मम डैड। अली अपने दोनों बेटों से तंग हो चुका है और आयो अपने पति से। अब आगे देखो यार, डैड अचानक से महाकाल बन जाते हैं यार, कितना जुगन तो सोया था। मुझे समंदर में फेंक ही दो आप दोनों, सुबह सुबह महाभारत आरम्भ कर देते हो। ये है किम शुगर एंड किम जेहो, दोनों ही बिजनेसमैन हैं। इनके और इनके बड़े भाई का एक ही काम है, सोना और खाना। इनके चक्कर में बेचारे ली का कचम्बर बन जाता है। तेरे सुकून गए तेल लेने। पहले ये बताओ दोनों, कल जो मीटिंग था उसमें तुम दोनों ने क्या किया? और क्या, मैं उनको बहुत अच्छे से समझाया पर उनको कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ मैं तो उनको प्रैक्टिकली भी समझाया पर उनको समझ आया तब ना? समझ तो तब आएगा ना जब तुम दोनों होशो आवाज में रहोगे। मीटिंग में कौन सोता है बे? देखा देखा मॉम, ये आपके पति हम पर झूठा आरोप लगा रहे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरा ये पति तुम दोनों का डैड है। हाँ बदकिस्मती से डैड का फूफा हो गया। क्या बोला? कसम शाम बाबा की, आज मैं तेरा शीर कुर्मा बना दूंगा और तू होबा, तुझे तो मैं जुपिटर पे भेज दूंगा। ए बापू थम्बा थम्बा, हम क्या एलियन नजर आ रहे हैं आपको जो हमें जुपिटर पे भेजोगे? मैं पागल हो जाऊंगी। नालायक बड़ा हो चुका है फिर भी इतने भी अक्कल नहीं है तेरे अंदर। मॉम मैंने क्या किया? अगर क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें हमारा दोष क्या है? तुम दोनों कुंकर्ण की तरह सोते रहो, अपने छोटे भाई को देखो, काम के वजह से घर में भी नहीं आता ठीक से, ऑफिस में ही सो जाता है, और तुम दोनों को तो पूरा दिन बस सोना और खाना टूसना होता है। यार डैड अब ज्यादा हो रहा है। हाँ आप हमारी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकते, हमारी इज्जत है। ज्यादा हो रहा है तो कम कर देता हूँ, और इज्जत, मेरी इज्जत का तकिया बना के आप खुद की इज्जत के बारे में सोच रहे हो? नहीं मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मेरा अभी भी शादी भी नहीं हुआ, तो मेरा कौन सा हुआ बे? अपन भी कुंवारा है, बाल ब्रह्मचारी है,
इनकी तो। ए पहले तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों कब सुधरोगे? हाँ अपुन लड़की था कब, मेरे को किसी ने बताया नहीं। मुझे जहाँ तक याद है अपुन ने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा, तो अपुन गंगा नदी की तरह पवित्र है। अयो कसम से कह रहा हूँ, तुम्हारी इस बिल्ली और इस गिलहरी को मैं बेघर कर दूंगा। जो करना करो, मुझे और भी काम है, फ्री फोकट में बैठी नहीं रहती हूँ मैं। किसी को भाव भी नहीं देता। क्यों तुझे जलन हो रही है कि बॉस तुझे भाव नहीं देते? तू उनका अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करती है, फिर भी वो तेरे तरफ देखते भी नहीं है। हाँ हाँ बस कर, देखना एक दिन जरूर मैं बॉस को अपने प्यार में बांध ही लूंगी। हाँ सपनों में। अगर गॉसिप करना हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर लिया करो। सर अप। हाँ मैं ऑफिस का गॉसिप करना आती हूँ। ये मेरा कंपनी तुम लोगों को गॉसिप करने की सलाह ही नहीं देता, समझे? अपने काम पे जाओ, पता नहीं तुम लोगों को गॉसिप करके क्या मजा आता है। सो ये है किम भी, जो काम के चक्कर में घर का रास्ता भूल गया है। इनको बस काम से मतलब है और ये सिर्फ काम के वक्त रूड और स्ट्रिक्ट रहता है। बेटा ये अपने साथ रख ले, मैं चर्च गया था तो फादर से लेके आया, ये तेरा मदद करेगा, ठीक है? मॉम भाई नहीं आए क्या अभी तक? आ जाएगा। बेटा मैंने इस बैग में खाना पैक कर दिया, जब भूख लगे तो सब मिलकर खा लेना, ठीक है? और हाँ खाने पीने का ध्यान रखना। लो जी ने गया, मैं फ्रेश होकर रेडी हो जाता हूँ। तुम दोनों ने सब ले लिया? हाँ योंग। हाँ भाई अब चले? ओके जस्ट 10 मिनट में अभी आया। जिमिन योंजन अपने भाई का ख्याल रखना और खुद का भी। डोंट वरी डैड, हम हैं ना कुक के साथ। हाँ चलो फ्लाइट छूट जाएगा। बाय डैड, लव यू बेटा, आराम से जाना। दिखने वाले के घर रहेंगे। Hey, I miss you so much. कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये कुक है ना? और ये योंजुन? हाँ। Oh, hi cook. Hi योंजुन. मेरा नाम शिगा है। Oh, hello योंग. Hello. आगे भी बस मैं सपना मांगा। बाय बाय सायनारा।